गुड इवनिंग, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। मैं दीपक करण स्वागत करता हूँ आप लोगों के प्यारा से चैनल डीपी इन्वायरमेंट। ठीक है, आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, न्यू इंग्लिश फाउंडेशन बैच। ठीक है, और आज से आप लोगों का इंग्लिश का क्लास चलेगा MWF में। MWF मतलब MWF फुल फॉर्म तो आता होगा, मतलब ये मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को आप लोगों का इंग्लिश का क्लास चलेगी। ठीक है, क्या है, न्यू इंग्लिश फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो आज हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इस फाउंडेशन बैच में मैं आप लोगों को किस तरीके से गाइड करूंगा, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सब आप पहले जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाऊंगा। ठीक है, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन, मूड वर्ब, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग, जेरंड, इन्वर्जन, मॉडल्स और इंटेंशन ऑफ स्पीकर। ठीक है, तो इतना सारे टॉपिक्स हम इस बैच में कवर करेंगे। ठीक है, एक बार इसको आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। चलिए, स्क्रीन शॉट आई होप आप लोग ले लिए होंगे, इसको अगर यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्लासेस जो चलेगी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस तक चलेगी। आप लोगों को ABCD तो आता होगा, ABCD आनी चाहिए, उसके बाद इंग्लिश समझाने की और सिखाने की गारंटी मेरी। सबसे पहले आप लोग टॉपिक में डालिएगा नाम। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले टॉपिक नाउन ही स्टार्ट कर दिया, पहले बेसिक पढ़ाना चाहिए था। एब्सोल्युटली फाइन, पहले नाउन टॉपिक ही रहेगा और इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नाउन पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग हेडिंग नाउन ही डालिएगा और मेरे साथ साथ कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो नाउन से पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले नाउन से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लेटर्स के बारे में, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और वर्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। और सब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद फ्रेज पढ़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, और फ्रेज के बाद क्लॉज पढ़ाऊंगा, और उसके बाद सेंटेंसेस, इतना सारा टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग आएंगे नाउन पर। ठीक है, एक बार इसका आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया भाई, खुश हो।
स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। चलिए आप लोग ले चलते हैं नाउन के सफर में। तो पहला सब टॉपिक डालिएगा बेसिक पार्ट। ठीक है, हम लोग चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्या है? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, हिंदी क्या है? हिंदी अपने आप में एक लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। ठीक है, उसी तरीका से इंग्लिश भी अपने आप में एक लैंग्वेज है। फिर आप लोग पूछिएगा कि लैंग्वेज का मतलब क्या है? समझाता हूँ लैंग्वेज का मतलब क्या है। हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़े होंगे कि भाषा क्या होता है, लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा। ठीक है, भाषा क्या होता है? तो आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ोगे कि जब हम अपनी भावनाओं को, विचारों को, ठीक है, दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है, और दूसरे सुनकर, पढ़कर या समझते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाषा बोलते हैं। उसी तरीका से हम लोग लैंग्वेज को क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो लैंग्वेज एक अपने आप में एक मीडियम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम। इन विच थ्रू विच जिसके द्वारा वी एक्सप्रेस आवर क्या एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के सामने, फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज। ठीक है, तो क्या है, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज होता क्या है? तो लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज़ को किसी दूसरे के सामने क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपको गर्मी लग रही है, चाहे ठंडी लग रही है, चाहे भूख लगी है। ठीक है, जब तक आप वह बात, ठीक है, किसी दूसरे के साथ एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक दूसरे को पता नहीं चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रही है। ठीक है, तो हम लोग अपनी बातों को किसी और तक कैसे पहुँचाएं, किसी और तक कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किसी न किसी मीडियम से। ठीक है, इंग्लिश क्या है, अपने अपने एक लैंग्वेज है। ठीक है, और लैंग्वेज का मतलब ये है। अच्छा, एक्सप्रेस करने के लिए क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। एक्सप्रेस करने के लिए क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे में कोई व्यक्ति होती है, होता है, तो कोई व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, मान लेते हैं कि आप दो लोग हैं, ठीक है, आपस में बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप दूसरे के बातों को क्या करोगे, सुनोगे। ठीक है, लिसनिंग। उसके बाद क्या करोगे, बोलोगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद लैंग्वेज, अच्छा इसका एक बार आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा स्टेप आगे, हर बार आने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश को रटना नहीं है, समझना है। अब लैंग्वेज के बाद क्या है, साउंड। ठीक है, साउंड है। और इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की जो टोटल संख्या होती है
44 होती है, ठीक है। साउंड की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। इतने तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, ओके। अब साउंड के बाद साउंड का ही एक रिटन फॉर्म दे दिया गया जिसको हम लोग लेटर्स बोल दिए। साउंड का एक रिटन फॉर्म दे दिया गया जिसको हम क्या बोल दिए? लेटर्स बोल दिए, ठीक है। तो लेटर को हम क्या लिख सकते हैं? रिटन फॉर्म ऑफ, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, अल्फाबेट अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की संख्या 44 है। अगर साउंड की संख्या 44 है तो अल्फाबेट यानी कि जो लेटर्स है और लेटर्स ही साउंड का रिटन फॉर्म है, तो इसकी भी संख्या 44 होनी चाहिए। तो फिर 26 ही क्यों है, ठीक है। अच्छा, क्यों है इसका रीजन बताता हूँ। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पर हम बोले, एक होता है LIVE, एक समय में इसको हम लाइव पढ़ते हैं और एक टाइम पर इसी वर्ड को हम लोग लिव पढ़ते हैं। क्या? एक समय में इसको हम लाइव पढ़ते हैं और एक समय में इसको लिव पढ़ते हैं। जैसे मैं बोल सकते हैं कि आई लिव इन पटना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले? लिव बोले, ठीक है। और बोल सकते हैं आई एम गोना बी लाइव। गोना का मतलब होता है आई एम गोइंग टू बी लाइव, ठीक है। लाइव तो वर्ड सेम है और प्रोनंसिएशन क्या है? डिफरेंस है। प्रोनंसिएशन डिफरेंस है, इसका मतलब हुआ कि साउंड का संख्या ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन वर्ड पर फर्क नहीं पड़ रहा, वर्ड उतना ही है, इसीलिए लेटर्स की संख्या 26 हुई और साउंड की संख्या 44 हुई, ठीक है। कॉपी साथ साथ कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको फ्रेज कर देते हैं। अब साउंड को दो पार्ट में भाग डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं वोवल साउंड, वोवल साउंड, और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। एक क्या होता है? वोवल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल साउंड की संख्या जो होती है 20 होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होती है, ठीक है। 20 और 24 मिलकर साउंड संख्या 44 हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वोवल साउंड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, हर इंसान के चाहे जानवर कोई भी, सबके पास एक वोकल कोड होता है जिससे अपने वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो साउंड जो हमारे वोकल कोड से डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है बॉडी का कोई भी पार्ट्स, जैसे लिप्स, टंग, टीथ, ये सब का यूज नहीं करके डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है, वैसे साउंड को हम क्या बोलते हैं? वोकल साउंड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? वैसे साउंड जो वोकल कोड से प्रोड्यूस होता है लेकिन इसके बोलने के लिए टीथ, टंग, लिप्स, ठीक है, इस सब का भी यूज किया जाता है, तो वैसे साउंड को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। एक बार आप लोग यहाँ तक कॉपी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बता रहा हूँ। ठीक है।
अब बात करेंगे हम लेटर्स के बारे में, ठीक है। क्या लिखे थे हमने? अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट यानी कि इंग्लिश ए बी सी डी, ये तो आती होगी ना आपको। हाँ जी, ए बी लिख देगा ना, ठीक है। सी डी ई, इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा आई ओ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट, ठीक है। ए टू जेड को हम लोग एक टेक्निकली एक टर्म दिए हैं जिसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। अब अल्फाबेट में से ए जो है अपने आप में एक लेटर है, ठीक है। बी भी अपने आप में एक लेटर है, ठीक है। ए भी अपने आप में एक लेटर है और बी भी अपने आप में एक लेटर है। सी भी अपने आप में एक लेटर है, डी भी अपने आप में एक लेटर है, ठीक है। और हम अगर ये बोल दें कि ए बी सी डी ये पूरा क्या है, इसको हम लेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर बोल दे कि ए बी सी डी ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या होगा? लेटर्स होगा, ठीक है। आप लोग चार वो है तो ये सोच करके अल्फाबेट्स मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी अगर अल्फाबेट में आप यस लगाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है, भाषा। इसलिए लेटर से बोलेंगे। अब ए ई आई ओ यू को हम लोग पढ़े थे क्या बचपन में? क्या पढ़े थे? आइए, वोवेल लेटर्स, वोवेल लेटर्स, ए ई आई को वोवेल लेटर्स पढ़े थे हम लोग, ठीक है, बचपन में, ओके। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, हाँ जी, तो क्या पढ़ रहे थे बचपन में? हम पढ़े हैं ए ई आई ओ यू को क्या, वॉवेल लेटर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी सी डी ये सब क्या, ये सब हम क्या जानते थे? कंसोनेंट, यानी कि वॉवेल लेटर्स कितनी होती थी? फाइव, एक दो तीन चार पाँच, है ना जी? हाँ जी, फाइव, ठीक है। वॉवेल लेटर्स की संख्या कितनी? फाइव, ओके। उसके बाद, उसके बाद बी से लेकर के जेड तक, ठीक है, ए पार्ट छोड़ कर, ये जो लाइन खींचे हैं ए पार्ट छोड़ करके बी से लेकर जेड तक जो 21 होगा इसको हम क्या कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। और डब्लू और वाई को हम लोग क्या बोलते थे? डब्लू और वाई को हम लोग बोलते थे क्या? सेमी वोवेल, सेमी वोवेल्स, ठीक है। तो अब समझ में आया कि लेटर क्या होता है। तो लेटर अपने आप में एक साउंड का रिटन फॉर्म है, उसको हम लेटर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी बोल सकते हैं, जिसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स टोटल होते हैं, जिसमें से 5 होती है जो वॉवल्स होती है, 21 क्या होती है? कॉन्सोनेंट होती है, ठीक है। डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवल्स बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? यहाँ तक बात क्लियर हो गया? नोट कर लिए क्या? ठीक है, नोट करते रहिएगा साथ साथ। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं,
सारे सब हमने बोला था क्या कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश अपने आप में इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से टेक्निकली साउंड निकल कर आया, ठीक है, और साउंड से क्या निकल कर आया, लेटर्स, ठीक है, और लेटर्स से क्या निकल कर आएगा, क्योंकि जब लेटर्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, वर्ड बनेगा, ठीक है, यानी कि वर्ड क्या है, वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, बोल सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है, बट इट हैव या इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, वर्ड क्या होगा, वर्ड जो होगा कलेक्शन या ग्रुप होगा लेटर्स को, लेटर्स की कलेक्शन या ग्रुप होगी वर्ड, ठीक है, लेकिन इसका कोई अर्थ भी होनी चाहिए, इसका मीनिंग भी कुछ निकालना चाहिए, इसका अर्थ भी कुछ निकालना चाहिए, अगर हम बोलते हैं सिर्फ कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में इनकम्प्लीट सेंस देगा, ठीक है, अच्छा है, तो वर्ड क्या हो गया, एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स हो गया जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं, जैसे अगर हम एक वर्ड लेते हैं, ठीक है, एक वर्ड लेते हैं और लिखते हैं क्या, बैड, ठीक है, इसमें कितना लेटर्स है, तीन, एक दो तीन, तीन लेटर्स है, तीन लेटर्स का लेकिन मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, और बैड का मतलब ही होता है गंदा, इसका कोई अर्थ भी निकल रहा है, यानी कि इसको हम वर्ड बोल सकते हैं, और इसी चीज़ को अगर आप देखते हैं डी बी ए, ये भी एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और इसका कोई अर्थ नहीं निकला उसको हम वर्ड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, तो एक बार इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे की चर्चा करता हूँ, ठीक है, नोट तब साथ साथ कीजिएगा, कॉपी साथ साथ कीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आराम से पढ़िए, बेसिक से पढ़ा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक बात आप लोग बताइए, किस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में, संसार में लाखों करोड़ों वर्ड्स बने होंगे, ठीक है, इस वर्ल्ड में लाखों करोड़ों वर्ड्स बने होंगे, और उन लाखों करोड़ों वर्ड्स को हम लोग एक भाग में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, और उसी आठ भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया, ठीक है, किसका नाम दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको वर्ड में और पढ़ना चाहता हूँ कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, वर्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले एक वर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, जैसे मैं एग्जांपल हम लेते हैं काउंट अपने आप में एक रूट वर्ड है, ठीक है, और इस रूट वर्ड के आगे अगर हम सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स क्या होता है, तो किसी भी रूट वर्ड के आगे लगने वाला शब्द या वर्ड को हम सफिक्स बोलते हैं, जिसमें काउंट अपने आप में एक रूट वर्ड है, ठीक है, और काउंट के आगे अगर हम ए बी एल ई लगाते हैं, एल ई लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, काउंटेबल
काउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, काउंट अपने आप में एक रूट वर्ड है और एबल क्या है, सफिक्स है। क्या बना दिया, एक दूसरा वर्ड की फॉर्मेशन हो गया जिसको हम काउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसी रूट वर्ड के पहले एक प्रीफिक्स लगाते हैं, एक प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है, तो भी एक वर्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मैं एक काउंट अपने आप में एक रूट वर्ड है यहाँ पर बात किया, और एबल, एबल क्या है, सफिक्स है। काउंट अपने आप में एक रूट वर्ड है, एबल एक सफिक्स है, और इस काउंट के पहले एक प्रीफिक्स लगाते हैं अन, यू एन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अगर इस तीनों को हम मिलाएं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स, ठीक है, इस तीनों को अगर हम लगा देते हैं और वर्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एक वर्ड और फॉर्मेशन हो गया। अब जिस वर्ड में प्रीफिक्स के साथ साथ सफिक्स लगा होगा उसको हम टेक्निकली एक नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एफिक्स। ठीक है, तो ये हुई वर्ड फॉर्मेशन की चर्चा कार्यक्रम। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका आइडेंटिफिकेशन। ओके, तब तक आप लोग नोट कीजिएगा अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप समझेगा आगे, हाँ, जैसा कि हमने बता रहा था, क्या बता रहा था, ध्यान से समझना, कि दुनिया में लाखों करोड़ों वर्ड्स बने होंगे, दुनिया में लाखों करोड़ों वर्ड्स बने होंगे, और उन वर्ड्स को एक कैटेगरी में, एक पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और उसी पार्ट को टेक्निकली एक नाम दे दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होते हैं, रटे होंगे आप लोगों ने, क्या रटा होगा, कि ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू एट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे डू वर्क इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक बार हेडिंग्स और टॉपिक देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो अभी लाइन लिखे थे इंग्लिश लैंग्वेज, ये आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे से कॉपी कीजिएगा। क्या लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, नाम के बारे में। अब जानेंगे क्या, जान ही लेते हैं नाम के बारे में। ठीक है, जानने में दिक्कत है क्या, नहीं ना, तब अच्छा, नाम क्या होता है, सोचिए जरा नाम क्या होता है। इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कुछ नाम ना हो। ठीक है, इसमें एक मार्कर हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है, टी शर्ट हो गया, माइक हो गया, ठीक है, चश्मा हो गया, मोबाइल फोन हो गया, बोर्ड हो गया, हर चीज़ का अपना अपना एक नाम है। ठीक है, तो नाम को हम क्या बोल सकते हैं, नाम को बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, नाम इज नेमिंग वर्ड, नाम क्या है, नेमिंग वर्ड। अच्छा, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको हम लोग देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, जैसे मैं मार्कर, तो मार्कर को दिखा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होता है, यानी कि जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, जैसे बोलेंगे ऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट, आइडियाज, फीलिंग्स, क्या है सब, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो
इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, फील ओनली, ठीक है, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं, एकदम आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाना, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए। और इसका जो टाइप्स होता है, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मूड जो भी होता है, ठीक है, वो सब जब नाउन टॉपिक चल ही रहा है, इसकी चर्चा जब हम करेंगे तब इसका चर्चा करेंगे कि क्या क्या होती है, वो डिटेल में बनाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, अब दूसरा हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन, ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले लीजिएगा ना, इतना सी बताया जो टेबल कुर्सी चेयर जो भी हो सब नाउन है, सिंपल सी बात है, तब बचपन में रहता है ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन पर्सन थिंग्स, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन एक ऐसा चीज है, प्रोनाउन अपने आप में एक ऐसा चीज है जो नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। हम लिख सकते हैं कि प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं क्या, राम इज अ बॉय, ठीक है, राम क्या है? राम अपने आप में एक नाम है, ठीक है, राम किसी का नाम है। अच्छा, अब ही क्या है? ही क्या है? ही अपने आप में एक प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है? क्योंकि यह रिप्रेजेंट करता है किसको, नाउन को। अगर हम लिखे हैं कि राम इज अ बॉय, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ठीक है। ये जो ही आया किसके स्थान पर आया, किसके प्लेस पर आया, राम के प्लेस पर, और राम अपने आप में क्या है, नाउन है। राम अपने आप में क्या है, नाउन है, और इसी राम को रिप्रेजेंट करने के काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो ही अपने आप में क्या हुआ, ही अपने आप में प्रोनाउन हुआ, कोई दिक्कत, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जब बताऊंगा और एग्जांपल, देखते हैं कि आई विल हेल्प यू, ठीक है, आई विल हेल्प यू, ठीक है। अब एक बात बताइएगा कि आई अपने आप में क्या है, आई अपने आप में एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो, और साथ ही साथ आई अपने आप में स्पीकर हो। स्पीकर कहने का मतलब, जैसे मैंने बोला कि आई विल हेल्प यू, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने आप को डिस्कस कर रहा हूँ। आई मतलब क्या, आई मतलब मैं खुद को बोल रहा हूँ कि आई विल हेल्प यू, यानी कि मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई क्या हुआ, मैं अपने एक स्पीकर हुआ, और मैं अपने आप तो ऐसे हवा में तो बोलूँगा नहीं, कोई सुनेगा तब तो बोलूँगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर यू क्या है, यू सुन रहा है, मतलब यू सुन रहा है, तो हम बोल सकते हैं यू क्या हुआ, लिसनर। क्या हुआ, अपने आप में यू लिसनर हुआ। तब एक बात बताइए कि आई अपने आप में स्पीकर है, और स्पीकर अपने आप में किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन क्या हुआ, नाउन हुआ। तो नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम क्या कर रहा है, आई कर रहा है। तो आई को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोनाउन बोल सकते हैं। आई को क्या बोल सकते हैं, प्रोनाउन बोल सकते हैं। यू भी अपने आप में क्या है, एक लिसनर है, और लिसनर क्या होगा, लिसनरी हम बोल सकते हैं, लिसनरी मार्कर है, मार्कर सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा, ठीक है। तो क्या लिसनरी एक किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू भी क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा, ठीक है, यू भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो यहाँ तक बात पल्ले पड़ती है क्या,
ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आती है। तो एक बार आप लोग नोट कीजिएगा फटाक से, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हो गया, वैसे हो जानी चाहिए, इतनी रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं गया, बेसिक बेसिक लेवल पढ़ाना है। अच्छा ठीक है, इसको रेस करते हैं। वैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं किए तो। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। अब एडजेक्टिव होता क्या है, क्या इसको पहले मैं डिफाइन नहीं करूंगा, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा क्या होता है। जैसे मतलब ये कि आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, ठीक है। आई अपने आप में क्या होगा, आई अपने आप में सब्जेक्ट होगा। हैव क्या होगा, हैव अपने आप में एक वर्ब होगा, ठीक है, वर्ब। और बुक्स क्या, बुक्स क्या होगा, किसी का नाम लिख सकते हैं, बुक नाम होगा। और ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। और आई क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि आई किसी न किसी स्पीकर को उनके पर्सन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, इसलिए आई एक प्रोनाउन है। और बुक्स क्या है, नाउन। इस पार्ट को अभी हम कवर कर देते हैं, पर ये आई है बुक्स, आई हैव बुक्स। उसके बाद पर ये आई हैव सम बुक्स, ठीक है, आई हैव सम बुक्स। अच्छा क्या सम का हिंदी में क्या होगा, कुछ होगा, ठीक है। मेरे पास कुछ बुक है, ठीक है। और इसी नाउन में क्या कर रहा है, नाउन में क्या कर रहा है, सम एक मीनिंग को ऐड कर रहा है, ठीक है। नाउन में क्या कर रहा है, एक मीनिंग को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं एडजेक्टिव को क्या, कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड, या इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड व्हिच एड समथिंग something to the meaning of a noun or pronoun, ठीक है। तो the meaning of noun or pronoun, तो adjective क्या होता है, adjective एक ऐसा word है, ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। ऐसे एग्जांपल में समझाया कि आई हैव सम बुक्स, ठीक है। आई अपने आप में एक सब्जेक्ट है और आई एक स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्पीकर क्या होगा, स्पीकर कोई ना कोई पर्सन होगा, पर्सन एक नाउन है, ठीक है। नाउन जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो टेक्निकली आई अपने आप में प्रोनाउन हुआ। हैव क्या है, हैव एक वर्ब है, ठीक है। और बुक्स क्या है, बुक्स नाउन है। और नाउन में सम क्या कर रहा है, अपने मीनिंग को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। हो गया, ठीक है।
अब इसको इरेज करते हैं। अब आगे क्या आएगा? अब बात करेंगे वर्ब की। इसका वर्ब की और वर्ब का मीनिंग एग्जांपल्स जानने के लिए आपको आना होगा कल, कल माने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास कब होगी? फ्राइडे, ठीक है? कब आना होगा? नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी। तो जाते जाते उसे बता कर जाता, ठीक है? जैसे हम शुरुआत में आप लोगों को बता रहे थे कि एक न्यू इंग्लिश फाउंडेशन बैच ये है, ठीक है? और इस बैच में एक ऐसा सीरीज में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ठीक है? बेसिक से लेकर के एडवांस तक। अभी बेसिक क्लास चल रही है और लगभग दो दिन और बेसिक क्लास ही चलेगी, उसके बाद हम लोग नाउन बनाएंगे और नाउन से लेकर के जितने टॉपिक्स हम सब दिखाए थे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताएंगे, ठीक है? और ये सिर्फ और सिर्फ लोअर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ठीक है? नाइन्थ टेंथ से लेकर के आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स SSC CGL, ठीक है, स्टेनो सब के लिए है, ठीक है? आप लोग ये मिलते हैं आप लोगों से कब? फ्राइडे को, ठीक है? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।